क्या पढ़े थे? हम लोग लॉजिकल फंक्शन में इफ और एंड का यूज समझे थे। इफ का क्या काम होता है, और का क्या काम होता है, और एंड का क्या काम होता है। इसमें हम लोग ये भी जाने थे लोग कि हम लोगों का जो यहाँ पे ऑपरेटर होता है, यानी कि कौन कौन से सिंबल्स का यूज किया जाता है इस कंडीशन पे वर्क करने के लिए। जैसे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का काम क्या होता है बताए थे ना। उसके बाद लेस देन, लेस देन का काम क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, ये सारी चीजें आप लोगों को पिछली क्लास में बताया जा चुका है। आज हम इसका पार्ट टू में जानेंगे इफ का यूज, इफ का बेसिक यूज। इफ का एडवांस लेवल नहीं आज जानेंगे, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। मल्टीपल इफ का यूज है ना, एक साथ कई सारे इफ का यूज कैसे करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में इफ का यूज कैसे किया जाता है, ये सब अगले क्लास में जानेंगे। आज केवल इफ का बेसिक यूज समझेंगे कि ये क्या करता है। हम पहले भी आपको बोले थे कि ये दिखने में भले ही दो लेटर का है आई और एफ, लेकिन उतना ही ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेल अगर हम कहें तो एक्सेल पे अगर आपको वर्क करना है तो इसको जानना एकदम से मस्ट है। बिना इसके आप एक्सेल पे बढ़िया वर्क नहीं कर सकते हैं, परफेक्ट वर्क नहीं कर सकते हैं। तो इफ के बारे में थोड़ा सा बेसिक लेवल पे जानते हैं हम लोग कि ये करता कैसे है, इससे काम क्या होता है। चलिए हम यहाँ पे आपका एक पहले से डाटा तैयार कर रखे हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है इफ फॉर्मूला एग्जाम्पल वन। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। अब यहाँ देखिए मार्क्स दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग मार्क्स दिया हुआ है, 34 है, 23 है, 34 है, 45 है, 66 है। यहाँ कह रहा है एक में केवल फेल और पास दिखाना है। कैसे? तो यहाँ पे हम ऊपर लगा दे रहे हैं ग्रेटर देन 34, यानी अगर जिसका भी मार्क्स 34 से अधिक है उसको क्या करे, ये पास करे। हम इसको पहले से यहां बना हुआ है डिलीट कर लेते हैं। अब लगेगा कैसे, तो यहां पे हमारा कंडीशन क्या लग रहा है कि यदि मार्क्स, देखो लॉजिक लगाना सीखो, रट करके नहीं होता है, रट करके नहीं होता है, लॉजिक को खुद से लगाना सीखिए कि लॉजिक हम लगाएंगे कैसे। अगर आप अपने से लॉजिक लगा ले रहे हैं तभी जाकर के आप इस पे काम कर पाइएगा। अगर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, उस फॉर्मूला का आप केवल कॉपी कर रहे हैं, तो अगर आपको सिचुएशन कुछ और मिले तो वहां तो आपका काम नहीं हो पाएगा। आप क्या करिएगा, वहां पे फॉर्मूला नकल करिएगा तो नहीं होगा, तो लॉजिक लगाना सीखिए। यहां लॉजिक क्या कर रहा है कि जिसका भी मार्क्स 34 से अधिक है वो क्या होगा, पास होगा, और नहीं तो फेल होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि कोई भी फॉर्मूला का यूज करने के पहले हम क्या करते हैं जी, इक्वल, इक्वल करके हम कर दिए इफ, इफ करके ले लिए हम ब्रैकेट। जैसे ही ब्रैकेट लिए, यहां पे एक हमारा देखिए इंडिकेट कर रहा है आपको फॉर्मूला में कि लॉजिकल टेस्ट, यानी कि आपको क्या देना है, कौन सा टेस्ट है आपका लॉजिक करने के लिए, तर्क करने के लिए, किस विषय पे तर्क करना है, किस टॉपिक पे तर्क करना है आपको। अगर हम दो आदमी किसी टॉपिक पे तर्क कर रहे हैं तो कोई टॉपिक होना चाहिए ना। तो टॉपिक ये है कि भाई ये जो मार्क्स है इसी पे ना चर्चा होना है। किस टॉपिक पे चर्चा होना है, इस मार्क्स पे। अगर हमारा ये जो मार्क्स है 12 हो, कितना से, 34 से, तो क्या होगा, कॉमा देते ही कह रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर आपका वैल्यू ट्रू है तो क्या है, अब वैल्यू ट्रू नहीं हो तो क्या है। तो ट्रू है तो क्या दिखाई देना चाहिए, अगर जिसका 34 से अधिक है मतलब ट्रू है, यानी मैच कर रहा है। ट्रू का मतलब क्या, कि सही मैच कर रहा है, तो हमारा क्या दिखाना चाहिए, पास दिखाना चाहिए। तो हम उसको, अगर हम ट्रू या फॉल्स वाले सेक्शन में कोई टेक्स्ट ले रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, उसे इनवर्टेड कोमा के अंदर लेंगे। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला को के हिसाब से हमको रिजल्ट लाना है
कोई नंबर के हिसाब से हमको रिजल्ट लाना है, डिजिट के हिसाब से रिजल्ट लाना है, तो हम इनवर्टेड कॉमा का यूज नहीं करेंगे। अक्सर यही बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कब हम इनवर्टेड कॉमा लगाएं और कब न लगाएं। तो यहां हम क्या करेंगे, हमको टेक्स्ट लाना है, पास और फेल हमारा क्या है, टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को लाना है तो हम इनवर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। यहां पे हम क्या कर लिए, इनवर्टेड कॉमा, और यहां कर दिए पास, यहां कर दिए इनवर्टेड कॉमा क्लोज्ड। ये तो हो गया हमारा ट्रू के लिए। अगर ये मैच नहीं कर रहा है डाटा हमारा, लॉजिक हमारा सही नहीं बैठ रहा है, हम कह रहे हैं कि ये जो डाटा है ये 34 से अधिक है और हमारा डाटा मैच नहीं कर रहा है, यानी हमारे कथन जो है गलत साबित हो रहा है, तब हमारा क्या रिजल्ट है, तो फिर यहां हम देंगे कॉमा। कॉमा देते ही यहां क्या इंडिकेट कर रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर आपका तर्क गलत साबित हो रहा है तब वो क्या वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, तो हमको यहां पे क्या दिखाना है। और फिर यहां वही चीज कि अगर हम कोई डिजिट को दिखाना चाहते हैं तो इनवर्टेड कॉमा का यूज नहीं करेंगे, अगर हम केवल टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं तो इनवर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। यहां हम ले लेंगे इनवर्टेड कॉमा और यहां ले लेंगे फेल, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, और यहां से ब्रैकेट क्लोज, यहां कर दिए हम इंटर। अब यहां देखिए हमारा क्या दिखा रहा है, फेल, क्यों, हमने दिया है कि 34 से अधिक, ये तो बेशक 34 ही है, अगर हम 35 करते हैं तो देखिए हमारा पास कर दिया, कर दिया, लेकिन अगर हमारा 34 ही था, हम कह रहे थे कि नहीं 34 से अधिक होना चाहिए, तो हमारा जो कथन था, जो तर्क था, वो मैच नहीं कर रहा था, इसलिए वो क्या कर दिया है, फेल कर दिया। अब हम फॉर्मूला को ड्रैग करना जानते हैं कि फॉर्मूला को ड्रैग कैसे करेंगे। अगर हम एक में फॉर्मूला लगा दिए, बार बार फॉर्मूला लगाएंगे तो हम स्मार्ट वर्क नहीं किए। एक्सेल में वर्क करने का मतलब कि हम एक बार फॉर्मूला लगा दें और सब पे हम अप्लाई कर लें, तो हमको इतना निकालना है, यानी 5 स्टूडेंट्स का ये रिकॉर्ड दिखाया गया है, हमारे पास 5 नहीं 500 होता, 5000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, यानी मल्टीपल डाटा हो सकता है बहुत सारा, तो भी हम एक में लगा दिए। और यहां पे क्या करेंगे, दो तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम कर्सर को लेके आएंगे इस पॉइंट पे, इस सेल के हम राइट साइड लोअर कॉर्नर पे, यानी दाहिने साइड नीचे कोने पे लाएंगे, तो ये जो हमारा कर्सर का सिंबल जो दिख रहा है, देखिए कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, हो गया। अब हम माउस से इसको होल्ड करके नीचे ड्रैग कर लेंगे, आ गया, एक तरीका ये। दूसरा तरीका, चलिए कंट्रोल जेड करके इसको हम रिमूव करते हैं, कंट्रोल जेड करके रिमूव कर लिए। एक और तरीका क्या होता है कि केवल हम कर्सर को यहां पे लाएंगे, केवल कर्सर को यहां पे लाएंगे और यहां डबल क्लिक कर लेंगे, कर दिया फिल। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कब यूज किया जाता है डबल यू, डबल क्लिक का, जब जिस सेल में हमको डेटा फिल करना है उसके लेफ्ट साइड वाले सेल में डेटा होना चाहिए, यहां पे डेटा है। अगर हम इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर के आते हैं और यहां पे क्या करते हैं कि एक छोड़ करके यहां पे हम डाटा कर लेते हैं और भी कुछ, 52, 32, 48, यहां 3 डेटा और कर लिए, है ना। हम यहां से क्या करते हैं कि जो ड्रैग किए हैं उसको डिलीट कर देते हैं, यानी रिमूव कर देते हैं, यहां से फिर से कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके डिलीट कर दिए। अब हम यहां से आकर के अगर ड्रैग करते हैं, देखिएगा ड्रैग करते हैं तो यहां तक का हमारा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन कंट्रोल जेड कर रहे हैं, अगर हम यहां डबल क्लिक कर रहे हैं तो डेटा यहीं तक लाया, नीचे का देखिए हमारा खाली छोड़ दिया। क्यों खाली क्यों छोड़ा, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड यहां पे क्या मिल गया, ब्लैंक, तो ये फॉर्मूला को नीचे तक ड्रॉप डाउन नहीं किया। तो ड्रॉप डाउन तभी करेगा जब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाले कॉलम में हमारा डेटा होना चाहिए। अब एक और तरीका होता है हमको फॉर्मूला डाउन फिल करने का, आप लोगों को होम टैब जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे फिल डाउन, पढ़ाए थे ना फिल डाउन,
हम क्या करें इस सेल को लेकर के यहां तक जहां तक फॉर्मूला लाना है सेलेक्ट कर लिए, और फिल डाउन का शॉर्टकट के क्या होता है कंट्रोल और डी, हम यहां से कंट्रोल और डी को प्रेस किए, देखिए हमारा आ गया फॉर्मूला, क्या हो गया कॉपी होके नीचे वाले सेल में आ गया। तो कैसे हम डाउनफिल करते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, समझ में आ गया। अब आइए इसी का एक दूसरा लॉजिक देखते हैं हम, यहां सेकेंड लॉजिक हमारा क्या है, चलिए इतने पे सही है। अब यहां देखिए सेकेंड लॉजिक ये कह रहा है कि अगर ये मार्क्स 34 यानी 34 से 12 हो या बराबर हो, दोनों लॉजिक लेके चलना है कि 12 भी होना चाहिए या बराबर भी होना चाहिए तो भी हमारा पास हो जाए और नहीं तो फेल हो जाए, सेम चीज का दो अलग अलग मेथड से। तो अब हम कैसे लेते हैं इसको थोड़ा सा देखिए, इक्वल टू इफ यदि ब्रैकेट लॉजिक टेस्ट, किस टेस्ट पे हमको लॉजिक करना है जी, हमें करना है इस पे, अगर बड़ा है और बराबर है तो पिछली क्लास में आप लोगों को बताए थे अर्थमेटिक सिंबल्स में जो हम लोगों का लॉजिकल फंक्शन में सिंबल्स होते हैं तो वहां पे ग्रेटर और इक्वल टू एक साथ प्रयोग किए जा सकते हैं, अगर ये मेथड नहीं होता तो हमको डबल लॉजिक लगाना पड़ता, एक ये कहना पड़ता कि भाई 12 भी होना चाहिए, फिर एक बार लगाना होता कि बराबर भी होना चाहिए, लेकिन एक्सेल क्या करता है सपोर्ट करता है एक साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू को। तो हम यहां ग्रेटर देन का सिंबल ले लिए और इसी के साथ इक्वल टू का सिंबल ले लिए, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने के हमारा 34 के, तो कॉमा, तो हमारा वैल्यू अगर ट्रू हो रहा है तो क्या रिजल्ट लाए, तो हम यहां पे इनवर्टेड कॉमा क्या कर दिए पास, यहां से इनवर्टेड कॉमा क्लोज, फिर जैसे ही कॉमा करेंगे यानी कि ये क्रिटेरिया मेरा खत्म हो गया तो वैल्यू इफ फॉल्स, अगर आपका वैल्यू फॉल्स है तो बताइए क्या होना चाहिए, तो यहां पे फिर हम इनवर्टेड कॉमा क्या कर दिए सॉरी फॉल्स लिख दिए फेल, और यहां से ब्रैकेट क्लोज्ड इंटर आ गया। अब हम यहां से अगर इसको कॉर्नर पे आकर डबल क्लिक करते हैं तो यहां देखिए यहां भी पास है यहां भी पास है, यहां भी फेल यहां फेल, लेकिन ये देखिए 34 है तो यहां पे फेल है जबकि यहां पे पास है, क्यों, क्योंकि यहां पे लॉजिक ये लगा था कि 34 से अधिक होना चाहिए और यहां ये लग रहा है लॉजिक कि 34 के बराबर भी होगा तो भी पास होगा और अधिक होगा तो भी पास होगा, डिफरेंट लॉजिक हो गया हमारा, तो डिफरेंट लॉजिक हो गया तो डिफरेंट रिजल्ट ला रहा है। अब यहां पे एक चीज और समझना, हम यहां पे F2 करके इस फॉर्मूला को एडिट करते हैं, यहां पे अगर हम इस इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वही हमारा शो करेगा रिप्रेजेंट करेगा, अगर यहां पे हम कुछ भी लिख रहे हैं तो वही आएगा, जैसे यहां पे हम केवल P लिख दिए इसको डिलीट कर दिए और यहां पे F लिख दिए इसको डिलीट कर देते हैं, हो गया ना, अब इंटर करेंगे तो वही चीज हमको दिखाएगा P और F, बस समझ में आ गया यहां तक। चलिए एग्जाम्पल वन आप लोगों को समझ में आ गया, अब चलते हैं हम नीचे की तरफ एग्जाम्पल टू पे, चलिए आइए अब नीचे की तरफ एग्जाम्पल टू। अब यहां पे कह रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स 35 से कम है, 35 से कम है तो उसके मार्क्स में 10 नंबर और अपने से जोड़ दिया जाए, यानी तर्क क्या लग रहा है, क्या हम लोगों का यहां पे तथ्य बन रहा है कि किसी का भी मार्क्स अगर 35 से कम है तो अपने आप 10 नंबर और ऐड कर दिया जाए, 10 नंबर उसमें ऐड कर दिया जाए,
अब इसको हम कैसे लगाएंगे? यहां तो हमारा अलग तरह का ही एक तथ्य बन के निकल रहा है, एक तर्क बन के निकल रहा है। चलिए देखते हैं इस पे। यहां पे हम कर दिए इक्वल टू, हो गया इफ, यदि ब्रैकेट। हमको लॉजिक किस टेस्ट पे करना है? इस पे। अगर ये मार्क्स क्या है, छोटा है, कितना से 35 से, तो कॉमा। अब हमको ट्रूफ वैल्यू में क्या देना है कि अगर छोटा है तो 10 नंबर जोड़ दो, और नहीं तो वही का वही रखो, यही ना लगाना है। तो अब यहां पे हमको तो टेक्स्ट लिखना नहीं है, यहां पे हमको एक लॉजिक के हिसाब से फॉर्मूला पुट करना है। तो क्या हम यहां इन्वर्टर कॉमा लेंगे? नहीं लेंगे। अब हम लगाएंगे कैसे? तो अगर ये छोटा है तो किस में जोड़ना है? इसी सेल में ना, तो इस सेल को फिर से ले लिए और इसमें कितना कर देना है जी, प्लस 10, और नहीं तो क्या, कॉमा, इफ वैल्यू फॉल्स। अगर हमारा वैल्यू फॉल्स हो रहा है, यानी कि बगैर छोटा नहीं है, तो क्या करे, इसी वैल्यू को हमको फिर से ला दे। यहां से कर दिए ब्रैकेट क्लोज्ड और यहां से इंटर। अब यहां पे देखिए, ऐड कर दिया। अगर हम इसको ड्रैग करते हैं, यहां देखिए, अब ये हमारा 45 अधिक था 35 से, तो क्या ला दिया, 45 ही ला दिया। यहां पे हमारा 66 है तो 66 ही ला दिया। यहां 23 है तो क्या कर दिया, 10 ऐड कर दिया। हम लगाए 34 पे, 35 पे, यहां पे हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 35, एंटर। 35 करिए तो ये भी 35 हो गया। क्यों? क्योंकि हम क्या लगाए हैं, लेस देन इक्वल टू का यूज नहीं किए हैं। और ये काम कैसे कर रहा है, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। F2 करके हम इसको एडिट करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि यदि इस सेल का, यानी कि B22 सेल में जो भी वैल्यू है हमारा, अगर छोटा है कितना से, 35 से, तो लॉजिक तो हम लगा दिए कि हमारा लॉजिक क्या है कि 35 से छोटा है, अगर वैल्यू 2 आया तो हमारा जो इस सेल में वैल्यू है उसी में 10 और ऐड करके ला दो भाई, और नहीं तो जो इस सेल में वैल्यू है वही ला दो, समझाया? और इंटर कर दिए तो हमारा रिजल्ट लेकर के आ गया। आगे बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। यहां पे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल 3। यहां पे क्या कर रहा है कि यहां से हमको मार्क्स लाना है कि वो स्टूडेंट, यहां पे हम ऊपर इंडिकेट कर दे रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू 40 फेल, यानी जिसका मार्क्स 40 या उससे कम है वो क्या होगा, फेल होगा। और हमको यहां पे अब स्टूडेंट का नाम ही लाना है, क्या लाना है, नाम लाना है, यानी जिसका मार्क्स 40 या उससे कम है उस स्टूडेंट का यहां पे नाम ला दो। अब ये कैसे आएगा, यहां भी एक हमारा अलग तरह का तर्क बन रहा है, बन रहा है ना। अब चल के देखते हैं कि ये हमारा कैसे होगा। इक्वल टू इफ, यदि ब्रैकेट, लॉजिक टेक्स्ट क्या है तो ये, अब हम इस पे नहीं जाएंगे, किसके हिसाब से करना है, ये मार्क्स, ये अगर हमारा छोटा है या बराबर है, छोटा है या बराबर है, कितना से 40 से, तो कॉमा। अगर क्या आ जाए हमारा, अगर छोटा है तो ये वाला नाम यहां पे आ जाए, स्टूडेंट का नाम आ जाए, और नहीं तो क्या हो जाए, कॉमा। अब हमारे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, हमको तो खाली वही लाना ही है, नहीं वाला ऑप्शन ही नहीं है, है ऑप्शन, हमको यही कर रहा है कि जिसका उसी का केवल नाम लाइए जिसका 40
से कम हो या 40 के बराबर हो। अब नहीं का ऑप्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन तो दिख रहा है कि उस सेल को खाली छोड़ दिया जाए, उसमें कुछ नहीं किया जाए, तो ब्लैंक रखा जाए। तो ब्लैंक रखने के लिए हमारे पास दो टेक्निक होते हैं। एक, हम इनवर्टेड कॉमा बिना कुछ उसमें लिखे दो बार ले लें, या फिर बैक स्पेस हटाइए, इनवर्टेड कॉमा और स्पेस करके फिर यहां लगा लें। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि बिना स्पेस का, यानी कि डबल इनवर्टेड कॉमा ले लें। यह इंडिकेट करता है कि भाई जो लिखना है वो तथ्य हमारा एम्प्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। अब यहां से हम ब्रैकेट को कर लिए क्लोज्ड, यहां से कर दिए हम इंटर, ब्लैंक आ गया। क्यों? इसका मार्क्स क्या है? 65 है। यहां पे फॉर्मूला मेरा लगा हुआ है, आप देखिए यहां फॉर्मूला बार पे देख रहा है, फॉर्मूला बार पे फॉर्मूला लगा हुआ है, लेकिन यहां पे तो नहीं कर रहा है। अब अगर हम ड्रैग करते हैं यहां तक, तो देखिए ये रोहित आ गया, ये अरुण आ गया, यानी इन दोनों का मार्क्स 40 या उससे कम है। ये लोग फेल वाले स्टूडेंट है लोग। अब ये डेटा हमारा चाहे कितना भी बड़ा होता, कितना भी लंबा होता, हम आसानी से इस तरह से रिजल्ट निकाल सकते हैं। कम समय में हम बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो एग्जाम्पल 3, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, आगे चले। अब आइए नीचे की तरफ देखते हैं। आज ज्यादा नहीं रखे, केवल बेसिक एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, है ना, 5 या 6 एग्जाम्पल्स हैं बेसिक तौर पे। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल 4 में हमारा, यहां पे आइटम नेम दिया हुआ है, यहां पे ब्रांड दिया हुआ है कि ये माउस जो है किस कंपनी का है, तो एबीसी कंपनी का, कीबोर्ड XYZ का है, प्रिंटर एबीसी का है, अलग अलग ये दिया हुआ है। प्राइस, इसकी कीमत दी हुई है, ये भी कीमत, अलग अलग कीमत दिया हुआ है ना। अब यहां ये कह क्या रहा है, इस चीज को थोड़ा सा समझो। यहां पे कह रहा है कि इंक्रीज प्राइस बाय 10% ऑफ एबीसी ब्रांड, यानी कि एबीसी ब्रांड का जो भी हमारा आइटम है, एबीसी ब्रांड के अंदर जो भी आइटम है उसका प्राइस केवल हमको 10% बढ़ाना है। सबका हमको नहीं बढ़ाना है, किसका बढ़ाना है? एबीसी का। यानी हमारे डेटा में से जो एबीसी ब्रांड का हमारा प्राइस है, केवल उस प्राइस को 10% बढ़ाना है। ये डेटा हमारा बड़ा भी हो सकता था, लंबा चौड़ा भी हो सकता था, हजारों आइटम हो सकते हैं। हम कैसे अब इसको करेंगे, इसको देखिए। तो यहां पे तर्क क्या हम लगाएंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट, यदि ये सेल बराबर होना चाहिए किसके, ए बी सी के, यही ना कह रहा है कि ये सेल यानी ब्रांड वाला सेल अगर एबीसी है तो कॉमा। तर्क अगर ये है कि केवल इक्वल टू है, ना ग्रेटर देन ना लेस देन, यानी ये हमारा इक्वल होना चाहिए एबीसी के, तो क्या हो जाए, हमारा जो प्राइस है अगर ये इक्वल है तो प्राइस में 10% बढ़ना चाहिए। तो 10% कैसे बढ़ाते हैं मैथ में, किसी चीज का अगर 200 का 10% हमें निकालना हो तो कैसे करते हैं, पहले तो 10% निकाल लेंगे 200 का, कि 200 का 10% तो हमारा 20 आ गया, फिर हम क्या करेंगे उस 20 को 200 में ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 220। यहां पे हमको वही फॉर्मूला यूज करना है कि पहले तो ये सेल ले लेंगे, फिर प्लस इसी में जोड़ना है, क्या जोड़ना है जी, फिर इसी को सिलेक्ट करके का मतलब गुना 10% हो गया, और नहीं तो कॉमा। अब हमको तो केवल एबीसी वाले में ही 10% जोड़ना है, बाकी में तो कुछ नहीं करना है, तो हमारा निगेटिव वैल्यू क्या होगा,
एम्प्टी ब्लैंक कर देंगे हम, तो यहां से हम ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब हमारा कहीं कुछ गलत हुआ है जी? क्या गलत हुआ है? क्या गलत हुआ है? हम यहां पे फिर से देखिए F2, यहां हम टेक्स्ट लिए हैं तो क्या इन्वर्टेड कॉमा का यूज किए थे? नहीं, हम फॉर्मूला तो ले नहीं रहे थे, जब टेक्स्ट दे रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है, पहले भी बताए हैं। तो यहां से जैसे ही हम इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिए हमारा रिजल्ट ला दिया। अब यहां देखिए इसको हम लेफ्ट कर लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा इसका इंडेंट बढ़ा लेते हैं, यहां पे आ गया, आ गया ना। अब हमारा 220 आ गया। अब देखते हैं कि क्या ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। ब्रेक कर लिए, अब यहां पे देखिए हमारा आ गया। अब यहां पे ये हम कह रहा है, या हमारा जो सीनियर है बॉस है वो आके बोला, कह रहे ठीक है इसका तो मान लो कि 20% बढ़ा दिया, तो इसका काहे गायब कर दिया? ये तो हमारा वही होना चाहिए, जो है यहां वही होना चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा कि ये वाला यही आ जाए और ये बढ़ भी जाए? अब हम कैसे करेंगे? तो जो हम F2 करते हैं पहले वाले में, जो हम लास्ट में ये इम्पिटी किए हुए हैं, वहां पे हम इसको हटा देंगे ये ब्लैंक वाले को, और यहां पे हमारा क्या आ जाए? यही आ जाए। अब हम इंटर कर देंगे तो जो बढ़ने वाला है वो तो बढ़ गया, और जो नहीं बढ़ने वाला है वो देखिए हमारा अब देखिए आप, ये बढ़ने वाला था तो बढ़ गया, ये नहीं बढ़ने वाला है तो क्या हो गया? सेम वैल्यू आ गया। आई बात समझ में? देखिए इफ का यूज अलग अलग तरीके से कैसे कितने तरह से हो रहा है। अब ये सिंपल चल रहा है आप लोगों का, एकदम जो बेसिक लेवल होता है केवल वो बता रहे हैं इसका। अभी इसका हम लोगों का एडवांस लेवल बचा हुआ है, अभी एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे, इसके बाद थोड़ा सा इसे अपर इंटरमीडिएट लेवल पे काम करेंगे, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे एडवांस लेवल पे, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं इसका पांचवा एग्जांपल क्या है हमारा। अब यहां पे देखिए सेम उसी टाइप से कह रहा है कि यहां पे सेल्समैन है, सेल्समैन का कोई नेम है, यहां पे उसका टोटल सेल दिखा रहा है कि 10,000 रुपए है, और यहां कह रहा है कमीशन, यानी कि अगर कोई सेल्समैन कोई प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई कर रहा है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर या ओनर, उसको ये मिला ओनर की तरफ से कि अगर आपका सेल 10,000 से ज्यादा कर रहे हैं तो 500 रुपया, यानी कोई प्रतिशत पे नहीं, इक्यूरेट 500 रुपया आपको बोनस दिया जाएगा। अब हमको हमारे पास हजारों सप्लायर हैं, अपना सेल करके ला करके रिपोर्ट किए कि मेरा इतना सेल है, मेरा इतना सेल है, डाटा तैयार हो गया। अब हमको ये निकालना है कि उसमें से जिसने 10,000 से अधिक सेल किया उसका 500 रुपया ऐड होकर के आ जाए, तो कैसे करेंगे? यहां पे लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? इक्वल टू इफ ब्रैकेट यदि। अब हमारा लॉजिकल टेक्स्ट क्या है? ये है, अगर ये 12 हो, केवल 12 हो, बराबर पे नहीं, 12 होना चाहिए, 10,000 से अधिक सेल होना चाहिए, 10,001 रुपया हो जाए, लेकिन 10,000 पे नहीं, तो 12 हो कितने से? 10,000। अब यहां देखिए हमारा क्या, हम इन्वर्टेड कॉमा लिए हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर हम टेक्स्ट वैल्यू को दिखाते तो हम क्या करना होता, हमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना होता, कॉमा। तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू साबित हो रहा है कि ये 10,000 से अधिक है तो कैसे आ जाए? तो इसी सेल में प्लस हो जाए 500, इस सेल के वैल्यू में कितना हो जाए? 500 हमारा ऐड हो जाए, नहीं तो कॉमा क्या हो जाए? वही का वही वैल्यू रह जाए। इस तरह का एक और एग्जांपल दिखाए थे आपको, और यहां से हम क्या कर दिए ब्रैकेट को क्लोज
और इंटर। अब यहां देखिए 10,000 है तो 10,000 ही रह गया। अब यहां पे हम डबल क्लिक कर लेते हैं। अब यहां देखिए आप, यहां देखिए, यहां 22,000 है तो 22,500 आ गया, आ गया। जिसका कम है एक्यूरेट आ गया। अब हम इसी में एक छोटा सा और कह रहे हैं कि यहां पे हमको ये भी इंडिकेट करा देना है कि अगर जिसका बोनस मिला है यहां पे एक मैसेज आ जाए गुड वर्क, और जिसका नहीं मिला है वहां एक मैसेज आ जाए नीड हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क की जरूरत है। इस तरह का एक मैसेज फ्लैश हो जाए, वो हम कैसे करेंगे? ऑटोमेटिक ही हमारा होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पे हमको चाहिए तो यहां पे एक फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। कैसे? इक्वल टू इफ ब्रैकेट, यदि ये सेल, क्योंकि हमको यही इसी पे तर्क करना है, यही से तो पता चलेगा कि हमारा ये इसको बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सेल 12 हो, कितने से? 10,000 से। तो कॉमा, अगर ये 12 होगा तो क्या होगा? इनवर्टेड कॉमा में, क्योंकि हमको टेक्स्ट के लिए मैसेज चाहिए टेक्स्ट के रूप में, तो यहां लिख दिए गुड वर्क, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, नहीं तो कॉमा। अगर हमारा गुड वर्क नहीं है तो क्या होना चाहिए? इनवर्टेड कॉमा में कर दिए हम क्या, नीड हार्ड वर्क, यहां से इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहां देखिए आ गया। अब हम इसको कर लेते हैं ड्रैग। यहां देखिए जिसका भी बोनस मिला, यहां 22,000, यहां 22,500, तो इसको बोनस मिला, यहां पे हो गया। एक और तरीका इसी चीज को जस्ट निकालने का, ये बताने के पीछे एक और कारण था कि इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। लॉजिक यही तो है कि हम अलग अलग तरीकों से भी ला सकते हैं। अब इसका एक और तरीका, सेम चीज आएगा, रिजल्ट हमारा सेम आएगा लेकिन करने का तरीका अलग होगा। अब क्या होगा वो चीज समझो। यहां पे हम क्या लगा दिए हैं फिर से कि इफ इक्वल टू इफ ब्रैकेट, यदि ये सेल 12 हो इस सेल से, यानी अगर उसको बोनस मिला है तो ये अधिक हो जाएगा, ये वाला अधिक हो जाएगा। बोनस मिला है तो ये अधिक हो जाएगा ना, अब बोनस नहीं मिला है तो अधिक नहीं होगा। तो अगर ये हमारा बड़ा हो इससे तो कॉमा, अगर बड़ा है तो यहां से हम इनवर्टेड कॉमा में एक सिंपल लेते हैं गुड केवल लिख करके। अगर हम गुड वर्क लिखें तो गुड वर्क ही आएगा, तो गुड लिखेंगे तो समझ में आ रहा है ना कि हम कॉन्सेप्ट वही लगा रहे हैं। इनवर्टेड कॉमा क्लोज, नहीं तो कॉमा, इनवर्टेड कॉमा में नीड, केवल नीड करके छोड़ दे रहे हैं, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहां पे आप देखिए इसको ड्रैग करिए, अधिक आ गया, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब आइए ऊपर थोड़ा सा, यहां पे देखिए, यहां पे जहां जहां ये नीड है, नीड है, गुड है तो गुड है, यानी एक ही चीज को दो तरीके से लगा दिए हम। तो डिपेंड ये कर रहा है कि हम क्या तर्क लगा रहे हैं, इसलिए हम बोले हैं कि रट्टा मत मारिए, लॉजिक लगाना सीखिए। क्यों लॉजिक लगाएंगे कैसे? खुद से लॉजिक अगर लगाना आ जाए तो आप एक्सेल पे आसानी से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। हम यहां पे एक लास्ट आपका एग्जाम्पल 6 पे देखते हैं। ये इस तरह का आगे भी हम आपको प्रोजेक्ट देंगे, है ना। यहां पे देखिए एक्सपेंस है, ये है क्या हमारा एक्सपेंस यानी खर्च, इनकम यानी कि हमारा आमदनी हुआ, और हमारे पास पहले से कुछ बैलेंस है। तो हमको यहां पे इस तरह का एक फॉर्मूला लगाना है। चलिए हम यहां से फॉर्मूला ये लगा हुआ है इसको हम करते हैं डिलीट, यहां से करते हैं डिलीट। क्या बाबू? अब यहां पे हमको लगाना क्या है कि अगर हमारा ये दोनों सेल
इम्प्टी है तो ये इम्प्टी रहे, यानी खाली है तो खाली रहे, ब्लैंक है तो ब्लैंक रहे, और नहीं तो हमारा ऐसा करे कि जो मेन हमारे पास पहले से 50,000 रुपया कैश है, हमारे पास एक्सपेंस हो गया 5,000, तो यहां पे क्या लाए, इतना में से इतना घटा करके यहां दिखाए। फिर इसमें क्या करे कि अगर फिर हमारा ये आ गया तो इसको उसमें जोड़ दे, फिर ये आ गया फिर जोड़ दे, अगर हमारा और खर्च भी हो गया तो घटा करके लाए, यानी सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट करें। थोड़ा सा एडवांस लेके चले हैं, थोड़ा सा डिफरेंट किए हैं पिछले वाले से। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए यहां पे, यहां हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल टू इफ यदि ब्रैकेट ये सेल बराबर हो खाली के, यानी कि इसमें हमारा कुछ भी नहीं हो, है ना, कॉमा, एक नियम लग गया, फिर लगा रहे कि इफ, अब दोबारा फिर यदि ब्रैकेट ये भी सेल बराबर हो खाली के, तो कॉमा हमारा क्या रहे, खाली ही रहे, और नहीं तो क्या है, कॉमा वैल्यू अगर फॉल्स हो रहा है तो हमारा क्या जाए, हमारे पास जो बैलेंस है, बैलेंस यहां पे है ये सेल में, बैलेंस प्लस इनकम ये माइनस एक्सपेंस, ब्रैकेट क्लोज, दो को ओपन किया है तो दो को क्लोज करेंगे, इंटर, एक मिनट एक मिनट, एंड का यूज करके किया गया ना, ठीक है, दो फॉर्मूला लेके चलना है ना हमको, सिंपल लेके चलना है। चलिए यहां पे देखिए, इक्वल टू इफ ब्रैकेट, हमको दो लेके चलना है कि ये भी खाली रहे और ये भी, तो एंड ब्रैकेट यदि और ये सेल बराबर हो खाली के, कॉमा ये भी सेल बराबर हो खाली के, तो हमारा ये लॉजिक लग गया, तो ब्रैकेट क्लोज, कॉमा क्या शो करे, खाली ही शो करे, नहीं तो कॉमा क्या शो करे जी, हमारा यहां से बैलेंस प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस, इंटर, ब्रैकेट ले लेगा ये, अगर हमसे ब्रैकेट मिस हो गया है तो यहां से ब्रैकेट ले लेगा, यस कर दो, हमारा ब्रैकेट ले लेगा। देखिए स्मार्ट काम करता है एक्सेल, अपने से यहां क्या कर दिया, ब्रैकेट का यूज कर लिया। अब यहां से हम अपना ड्रैग करते हैं जहां तक हमको फॉर्मूला चाहिए। अब यहां देखिए क्या हो गया, अब ये वर्क कैसे किया, केवल इस पर फोकस कीजिएगा। यहां हमारा 50,000 है, 5,000 खर्च हुआ तो कितना बच गया, 45,000, फिर हमारा 2,000 रुपया का इनकम हुआ, कितना हो गया 47, 100 रुपया और इनकम हुआ, अगर यहां पे हम दिखा रहे हैं कि फिर हमको 10,000 रुपया खर्चा हो गया, इंटर जैसे ही करेंगे कितना हो गया 37, तो ये कर क्या रहा है, कैलकुलेट ये कर रहा है कि पहले तो इसको ले लिया और तब इसको जोड़ रहा है और इसको घटा रहा है, और साथ ही साथ ये भी देख रहा है कि दोनों तो खाली नहीं ना है, अब यहां पे हमारा दोनों खाली है तो यहां पे क्या है जी, खाली है, जबकि इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मूला बार पे आके देखिए हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, अगर यहां पे हम केवल दिखा देते हैं कि 500 रुपया केवल खर्चा हुआ, जैसे 500 करके इंटर करेंगे ये हमारा यहां पे वैल्यू ला दिया कि भाई अब इतना बचा, तो इफ के साथ एक एंड का करके दिखाया। अगले क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेकर के चलेंगे, इफ का यूज भी दिखाएंगे, मल्टीपल इफ का यूज, इफ के साथ एंड, इफ के साथ और इफ एंड और, तीनों एक साथ अलग अलग चीजें दिखाएंगे। आगे बात समझ में, चलिए
यहां तक हो गया। अब रहने दिया जाए, इतना काफी आज के लिए।